खड़ी स्कॉर्पियो के ऊपर ओवरलोड बालू लदा ट्रक पलटा, 8 की मौत। यूपी के कौशाम्बी में कड़ाधाम कोतवाली के देवीगंज बाजार चौराहा पर तड़के लगभग 4 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। बारातियों से भरी एक खड़ी स्कॉर्पियो के ऊपर बालू लदी अनियंत्रित ट्रक पलट गई। स्कॉर्पियो में चालक समेत 10 लोग सवार थे। रास्ता भटकने के कारण दो लड़कियां स्कॉर्पियो से बाहर उतरकर फोन पर बात कर रही थीं, जिससे वे दोनों बच गईं। दर्दनाक हादसे में 6 महिलाएं, एक बच्चा व ड्राइवर की मौत हो गई है। घटना की जानकारी होते ही डीएम एसपी समेत जिले के आला अधिकारी व कई थाना क्षेत्र की फोर्स मौके पर पहुंच गई। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने सभी 8 लोगों की मौतों की पुष्टि की है। कड़ाधाम कोतवाली के देवीगंज बाजार स्थित एक गेस्ट हाउस में वैवाहिक समारोह का आयोजन था। कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव से पंकज पुत्र मोहन लाल अग्रहरी की बारात गेस्ट हाउस पहुंची थी। बुधवार भोर लगभग 4 बजे वैवाहिक समारोह से वापस महिलाएं बच्चे स्कॉर्पियो में बैठकर जाने के लिए निकले। बताते हैं कि स्कॉर्पियो चालक रास्ता भटककर देवीगंज बाजार के लेहदरी रूट पर पहुंच गया। स्कॉर्पियो चालक चौराहा पर रुक गया। स्कॉर्पियो से दो लड़कियां निकलकर मोबाइल के जरिए रास्ता पूछ रही थी, तभी सैनी की ओर से तेज रफ्तार बालू लदा ट्रक आया और अचानक स्कॉर्पियो के ऊपर पलट गया। ट्रक पलटने से स्कॉर्पियो सवार सभी लोग उसी के अंदर दब गए। जैसे तैसे दो लड़कियां बच गईं और फोन के जरिए गेस्ट हाउस में मौजूद परिजनों को सूचित किया। हादसे की जानकारी होने के बाद शादी समारोह वाले घर में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर मौजूद लोगों ने उनका ढांढस बंधाया। हादसे की जानकारी होते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्कॉर्पियो में फंसे एक महिला व एक बच्चे को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही महिला व बच्चे की मौत हो गई। एक ड्राइवर था और 7 अन्य सदस्य थे और ये ट्रक के पलटने के कारण उसमें से जितने 7 परिवार के सदस्य और एक ड्राइवर, इनकी मृत्यु हुई है। 2 डेड बॉडी अभी उसमें से 2 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे उनको वहाँ पर जिला अस्पताल में सीएमएस ने वॉन्टेड अभी डिक्लेयर करा है और बाकी जो यहाँ से निकली वो डेड बॉडी है, उसको टोटल ड्राइवर को मिलाते हुए 8 लोगों की मृत्यु हुई है। ये जो ट्रक है ये बालू की ये गिट्टी की हंसी जो डस्ट होता है उससे लदा हुआ था और इसमें इसका जिस तरफ पलटा है उसका एक टायर फटने से ये घटना हुई, तो पलट गया है ट्रक और इसको हम लोग आगे की छानबीन कर रहे हैं। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो उनकी हर संभव मदद करी जाएगी और इसमें लोगों के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अपने जो तहसील का प्रशासन है उसके भी साथ। क्या मृतक परिवार के ही हैं कि अलग अलग लोग हैं? देखिए उसमें एक तो ड्राइवर है वो तो डेफिनेटली अलग है, वो उसके जो लेखपाल के उनकी एक पत्नी है और उनके दूर के रिश्तेदार।